सो गाइज, यहाँ पे न्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी, हाउ टू मेक वेबसाइट लाइक यूट्यूब, जिसमें हम डिजाइनिंग सीख रहे हैं राइट नाउ। और ये सेकंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने काफी कुछ कवर अप किया था। वैसे तो दिखने में बहुत कचड़ा है वो, क्योंकि जो मैं फाइनल प्रोडक्ट बना के हटा हूँ वो कुछ ये है जो आप सीखेंगे एट द एंड ऑफ दिस सीरीज, जो कि प्रॉपर ऑलमोस्ट उस तरीके का ही चल रहा है। और कल हमने किया था ये, जिसमें हमने उसका आउटलेट एक रेडी किया था। नाउ एक चीज और, कि मैंने आपसे कम्युनिटी टैब के अंदर कुछ क्वेश्चंस पुट किए थे, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब में जाते हो तो यहाँ पे पुट किया गया था क्वेश्चन। 4 घंटे पहले ही मैंने क्वेश्चंस पुट किए थे कि आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आए, और उसका रिजल्ट मेरे सामने है। ये 31 वोट आए, सिर्फ 31 वोट यार। एटलीस्ट 100 वोट तो करो, कम से कम कुछ आइडिया तो मिले न्यू वीडियो के लिए। जहाँ पे मेजोरिटी ये चाहते हैं लोग, कि 35% लोग ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट के सर्च बॉक्स ही कोड चाहते हैं, और 32% ऐसे हैं जो यूट्यूब को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो लेक्चर्स आ रहे हैं। हाँ, और भी हैं, लेकिन मिक्स रिएक्शन है ना। अभी का मेरा क्वेश्चन तो ये है, जो आप मुझे बताओगे इस वीडियो के कॉमेंट में, वो 3% लोग कौन है जो फास्ट फूड की सीरीज चाहते हैं, और क्या मतलब क्या कराऊँ मैं उसमें आपको, वो कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी हो कि उस पर नया वीडियो क्या आना चाहिए, ठीक है? और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी डिजाइनिंग में आप क्या चाहते हैं, अब ये मत बोलिएगा लॉग इन लॉग आउट कैसे करें, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। अब डिजाइनिंग में क्या चाहते हैं मुझे पहले वो बताइए। पीएचपी जो है वो अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह वहां पे इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चंस के भी आंसर करें, जिससे बहुत हेल्प मिलने वाली है मुझे वीडियो को आगे बढ़ाने में और चैनल को आगे बढ़ाने में। सो कम से कम 100 वोट पूरे करो इस वीडियो के ऊपर, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए लेटेस्ट वीडियोस की, ठीक है? तो आते हैं यहाँ पे। तो हमने इस सीरीज के अंदर कुछ सीखना है कुछ ऐसा। ऑब्वियसली मैं ट्रेंडिंग पेज भी बना चुका था, होप सो मेरे पास इंटरनेट बचा हुआ है आज के लिए, ताकि ये वीडियो अपलोड हो पाए। 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? 400 MB डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास, और ये मेरा बनाया हुआ यूट्यूब है। ये सीरीज कौन कर सकता है, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप मेक श्योर वहीं से करें, और बाकी सारी वीडियोस पहले देख ले मेरे, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज मैं डिजाइन करने वाला हूँ ये वाला एरिया, जिसको आप हेड कह सकते हो, जिसका नाम हमने आई थिंक सर्च फ्रेम डॉट HTML नाम से किया था। ये इतना एरिया आज हम डिजाइन करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर ये करके फाइनली इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आता हूं मैं अपने फोल्डर के अंदर, और ये था फ्रेम सर्च नाम से, जिसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये रेड कलर है, और यहां पे है वो रेड कलर, ठीक है? अब चाहे यहां पे आप ओपन करें चाहे यहां करें, बात एक ही है। सबसे पहले तो इसका कोड ओपन किया मैंने, और सबलाइन के अंदर ले आते हैं, डन। बैकग्राउंड कलर रेड बस हमने समझने के लिए रखा था उस टाइम पे, अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 अलग अलग सेपरेट दिखाने भी तो थे, डेट्स वाई मैंने रख दिया था। तो ये आ गया। सबसे पहला जो है यहाँ पे चाहिए मुझे लोगो, और वो आई थिंक मैंने उसकी स्क्रीनशॉट रखी हुई है लोगो डॉट PNG नाम से, ठीक है? तो बॉडी के अंदर हम सारा काम टेबल से ही कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, मैं टेबल से ही करने वाला हूँ। टेबल बॉर्डर 3, पता नहीं मेरा 3 के साथ क्या लगाव है, जब भी मैं टेबल का बॉर्डर टाइप करता हूँ हमेशा 3 टाइप होता है। और इसके अंदर हमें चाहिए अपनी इमेज, ठीक है? वो है लोगो डॉट PNG नेम से, और किया मैंने उसको सेव, यहां पे आए और फाइनली किया रिफ्रेश, डन। नेक्स्ट हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये मैं करा चुका हूं फॉर्म के लेक्चर में, यहीं पे पड़ा हुआ है वो, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसको फटाफट करता हूं मैं यहां से कॉपी, सबलाइन यूज कर रहा हूं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए, ऑलरेडी मेरी वीडियो 10-15 मिनट तक चली जाती है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम वगैरह हम PHP में डाल देंगे इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। ये भी आ गया हमारे पास, अभी इसको थोड़ा सा सही भी कर लेंगे। इसके बगल में चाहिए मुझे एक बटन जिसके ऊपर लिखा हो सर्च, तो एक काम करते हैं इसको कॉपी करते हैं और नया बॉक्स ना बना करके यहीं पे डाल देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, सेव किया, ये आ गया हमारे पास एक बटन। बटन के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्लिक हो रहा है वो, जूम करके दिखा देता हूं मैं, ये देखो। तो बटन के ऊपर कुछ कुछ चाहिए, वैल्यू, एक वैल्यू चाहिए मुझे, तो बटन के ऊपर वैल्यू,
ठीक है, कहता वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा सर्च, जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज यहां पे शो हो जाएगा, तो ये लिख के आ गया यहां पे सर्च। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए ये चार छोटे छोटे लोगो और आइकन्स, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने। वैसे तो स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, जब हम डायनेमिक पे आएंगे, डेवलपमेंट पे आएंगे, तो भैया उसको भी हम पूरा कर लेंगे। करेंटली हम डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो पहले वो पूरा करते हैं, और अगले हफ्ते तो पीएचपी स्टार्ट हो ही रही है। ठीक है, तो नेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा, अब आ जाएगा ये, यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक है, आई थिंक ये क्रिएट का होता है, ये पता नहीं मुझे फीचर्स हो सकता है, ये बेल आइकन है, और ये चैनल का आपका लोगो होता है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक बेल नाम से, एक क्रिएट नाम से, और किधर है, दो। ऑल राइट, सो आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा वो किधर गया। ओके, अदर फीचर्स नाम से एक है, और अकाउंट नाम से किधर था वो, अकाउंट नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्रिएट नाम से, तो एक काम करते हैं, यहां से अपनी टीडी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि नया बॉक्स बनाना है ऑब्वियसली। कोड होप से आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और इतना जूम काफी रहेगा। IMGSRC इक्वल्स टू क्रिएट डॉट PNG नाम से ही है वो भी, और यहां पे आया मैं और किया रिफ्रेश, तो वो आ गया यहां पे। क्रिएट के बाद है हमारे पास अदर फीचर्स, एंटर मारा और अदर फीचर्स डॉट PNG। अदर फीचर्स के बाद है हमारे पास बेल आइकन, और फिर अकाउंट है, आई थिंक बेल नाम से ही है वो। डन, फाइनली इसको किया मैंने सेव, रिफ्रेश, ठीक है, मैंने नाम सही रखा है मतलब, तो ये आ गया। डोंट वरी, कोड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं इमेजेस दे दूंगा, आज इमेजेस की जरूरत है, मैं आपको इमेजेस दे दूंगा। थोड़ी बहुत मेहनत करने की आदत डालिए और कोड आप खुद टाइप कीजिए, इजी है। नाउ थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, पहले चीज तो मैं इसको फुल स्क्रीन से हटा के इतना कर लेता हूं, ताकि एक साथ दिखे भी हमें थोड़ा सा और समझा पाऊं मैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट थोड़ा जूम कम कर लेता हूं, हाँ ठीक है, जो टेबल है हमारा उसकी विड्थ सही कर लेते हैं। भाई पूरा स्क्रीन भर के रहे, सेव किया और यहां पे आया तो वो चला गया वहां पे, और अच्छा है वैसे तो, लेकिन लोगो जो है वो यहां खत्म हो जाना चाहिए यहां पे। तो जहां पे हमारा लोगो लगा हुआ है वो ये वाला बॉक्स है, आप देख सकते हैं, इसकी विड्थ सही कर देते हैं 25%, ट्राई करके देखते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वो यहां पे आके रुका। ओके 25, आई थिंक 22% पे हमारा काम हो जाना चाहिए। चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है ये सर्च बॉक्स है, इसको सही करते हैं, और मैं यहां पे स्टाइल यूज कर लेता हूं। सर्च बॉक्स किधर है हमारा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, पहले तो इसको न्यू लाइन पे करो। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी, यहां पे लगाते हैं स्टाइल, थोड़ी सी CSS बनाते हैं, और इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 200 पिक्सल, सफिशियंट होगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, आई डोंट नो असर भी हुआ है इसको या कुछ नहीं, 700 पिक्सल ट्राई करते हैं। यप, सो मुझे चाहिए वो यहाँ तक, 700 बहुत ज़्यादा हो गया, 550, ओके ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा ओवर हो गया, बस अब मैंने कुछ ओके, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला, और आई डोंट नो वो सेव हुआ था या नहीं, 580, ठीक है, ओके फिट बैठ गया। एक और काम करना है, सबसे पहले तो मेरे को भैया की इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाई जाए,
25 पिक्सल्स, ठीक है वो भी सेम है। अब एक काम करते हैं, बटन को भी सही करते हैं पहले, तो अपने फटाफट से बटन को मैं सही कर लूँ। और किधर है हमारा बटन? इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, ये रहा। क्यों भैया, जब वो बट 25 पे सही हो सकता है तो तुम क्यों नहीं हो सकते? डन। सो बटन मैंने सही कर लिया है। हाँ ठीक है, और ये अपने आप ही अरेंज हो गए, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल। आई थिंक ठीक है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सारा काम होने के बाद जो हमने आज तक यही सीखा है कि भैया बॉर्डर को जीरो कर दो और बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो उसको ले आएंगे। गला मेरा थोड़ा सा खराब है। सो ये हमने पूरा कर लिया। ऊपर का टास्क पेंडिंग रहेगा हमारा, ये सब, इसके ऊपर की स्टाइलिंग, उसके ऊपर की बाकी सारी चीज़ें। ऑब्वियस ही बात है, फ्लिपकार्ट का सर्च होगा तो इसका भी बन जाएगा साथ साथ, और ये कुछ चीज़ें, और साथ में आपका ट्रेंडिंग पेज। तो फिलहाल फिर नेट बंद हो गया मेरा, तो फिलहाल तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ वो पेंडिंग में, मतलब कि सफिशियंट है आज के लिए इतना छोटा सा लेक्चर। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल फिर से एक न्यू वीडियो आएगी। उससे पहले आप पोल का आंसर दीजिए, आज वाले पोल का भी आंसर दीजिए, और जो कल 4 घंटे पहले पूछा हुआ भैया पहले वो बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड गुड बाय।